नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार, आपका स्वागत हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम सदी के महान खिलाड़ियों में से एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिन्हें रॉकेट रोनाल्डो या रोनी के उपनाम से भी जाना जाता है, आज हम रोनाल्डो के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को जानेंगे। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म 5 जनवरी 1985 को पुर्तगाल में हुआ था। इनका पूरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉस सेंटोस है। रोनाल्डो की मां रसोईया और उनके पिता नगरपालिका में माली के काम किया करते थे। क्रिस्टियानो के परिवार में क्रिस्टियानो के माता पिता के अलावा उनके एक भाई और दो बहनें भी थी। क्रिस्टियानो परिवार में सबसे छोटे हैं। कहा जाता है कि रोनाल्डो जब स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जाया करते थे तो उस समय रोनाल्डो ने अपने टीचर के ऊपर कुर्सी फेंक दी थी और इसी गलती के कारण उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। और शायद यही कारण है कि उन्होंने किसी भी प्रकार की शिक्षा हासिल नहीं की है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की मां ने एक खुलासा किया है कि रोनाल्डो जब उनके गर्भ में थे तो उस समय उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। क्रिस्टियानो के पिता शराब पिया करते थे। पहले से ही 3 बच्चे होने के कारण क्रिस्टियानो का गर्भपात करवाना चाहते थे, लेकिन इस काम को करने से वहां के डॉक्टर ने इनकार कर दिया था। दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बचपन से ही फुटबॉल खेलने का बहुत शौक था और क्रिस्टियानो की मां ने उनका बहुत साथ दिया है। दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो बचपन से ही रेसिंग हार्ट नामक बीमारी से ग्रस्त थे और जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो 14 वर्ष की उम्र में फुटबॉल खेल रहे थे तब उन्हें इस बीमारी का पता चला था। दोस्तों, रेसिंग हार्ट एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें दिल जोर जोर से धड़कने लगती है और इस बीमारी में ज्यादा उछल कूद करना जानलेवा साबित हो सकती है। रोनाल्डो के परिवार को जब इस बीमारी का पता चला तो उन्होंने इस बीमारी का इलाज जल्द से जल्द करवाया। इलाज होने के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने आराम करने के बजाय फिर से फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया। रोनाल्डो ने साल भर में ही अच्छी लोकप्रियता हासिल कर ली थी। महज 16 साल के उम्र में रोनाल्डो पुर्तगाल के स्पोर्टिंग सीपी क्लब के हिस्सा बन गए थे। एक साल के अंदर क्रिस्टियानो अंडर 16, अंडर 17 और अंडर 18 और फास्ट टीम के लिए भी खेलना शुरू कर दिए थे। इसी बीच स्पोर्टिंग क्लब की टीम और मैनचेस्टर यूनाइटेड के टीम के बीच में एक मैच हुआ। इस मैच में रोनाल्डो ने अकेले ही 2 गोल किया और सपोर्टिंग टीम को जीत भी मिली। इस मैच के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अपने टीम में लेने का फैसला कर लिया। मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ग्रेटर मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफोर्ड में स्थित एक इंग्लिश फुटबॉल क्लब है। यह दुनिया में सबसे अधिक लोकप्रिय फुटबॉल क्लबों में से एक है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के अच्छे प्रदर्शन के कारण मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने दूसरी बार कुल 31 मिलियन पाउंड यानी 320 करोड़ रुपए में खरीदा था। कॉन्ट्रैक्ट बढ़ने के बाद भी रोनाल्डो ने अच्छा प्रदर्शन किया और इस बार 42 गोल किए और टीम को 3 प्रीमियर लीग जिताने में भी मदद की। साल 2009 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब को छोड़कर रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब के साथ जुड़ गए। रियल मैड्रिड स्पेन का एक फुटबॉल क्लब है। रियल मैड्रिड ने कुल 80 मिलियन पाउंड में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को खरीदा था, लगभग 887 करोड़ के आसपास। 2016 से 2017 तक रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड के लिए कुल 42 गोल किए। बेलन डियार फुटबॉल जगत का सबसे बड़ा अवार्ड है। इस अवार्ड को क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कुल 5 बार जीता। क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक इकलौते खिलाड़ी है जिन्होंने इस अवार्ड को कुल 5 बार जीता। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सभी मैचों में कुल अब तक 668 गोल किए हैं और इन सभी गोलों में रियल मैड्रिड के लिए उन्होंने 450 गोल किया। दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ कई लड़कियों का नाम जुड़ा हुआ है, साथ ही कई अभिनेत्रियों का भी नाम उनके साथ जुड़ा हुआ है। वर्तमान समय में रोनाल्डो की गर्लफ्रेंड जॉर्जिना रोड्रिगेज है। वर्तमान समय में रोनाल्डो की सैलरी 275 करोड़ है। रोनाल्डो दुनिया का सबसे प्रसिद्ध खिलाड़ी है। रोनाल्डो का इंस्टाग्राम और फेसबुक पर सर्वाधिक फॉलोवर है। दोस्तों, एक छोटे से घर में जन्मा माली का बेटा आज दुनिया का सबसे प्रसिद्ध खिलाड़ी है। अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं दोस्तों, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।